See here. Now here, motional EMF. देखो बेटे, सपोज करते हैं कि दिस इज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. नाउ इट इज मूव towards this side or this side with a certain velocity. Clear? Let this is B velocity. When this rod is moving and it's made up of metal, then there will be lots of free electron. Clear? These dots, let these are electrons. तो जैसे ही ये rod move करेगा, ये electrons भी move करेंगे. करेंगे या नहीं? Yes sir. Now, जैसे ही electron move करेंगे, तो electron, यानी negative charge, उसका motion इस side और magnetic field अंदर के लिए. तो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा या नहीं? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन अ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल. पढ़ रखा है, चलिए कैलकुलेट करते हैं. सी एफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज दिस. But motion of the charged particle is this. But this should be the motion of positive charged particle. Here the charged particle is negative. Without, तो आप ये मान के चलो कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं. तो ऑन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स विल बी अप्लाइड अराउंड द थंब. सो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन upper direction on the positive charge particle, then on the negative charge particle in the downward direction. So all electrons will move in this direction and here will be the accumulation of what? Electron. Obviously electron is moved from here. मैंने बताया था concept, electron अगर इधर move कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? उधर के लिए. तो हियर विल बी द एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. सो हियर डेवलप अ नेगेटिव पोलैरिटी एंड हियर डेवलप अ पॉजिटिव पोलैरिटी. ऑब्वियसली देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. इट विल बिहेव लाइक एन ईएमएफ सोर्स एंड दिस इज द कॉज ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? नाउ अभी बता रहे हैं बेटे, वो भी होगा. पहले समझ लेते हैं कि कितना होगा. ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी, यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया. तो इनिशियली दिस पॉजिटिव विल बी लेस, दिस नेगेटिव विल बी लेस. And as the charge continues to move, the polarity becomes stronger and stronger. Now, at this point, suppose this positive polarity comes to maximum value and negative polarity comes to maximum value, means to it has acquired an equilibrium condition. It has acquired an equilibrium condition. That means EMF जितना develop करना था उतना develop कर चुका है. Good out? तो इसके across एक potential difference develop करेगा.
तो मान लो ये देखो बेटा V को मैंने इस तरह से डिनोट किया है एंड दिस इज वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, उसे मैंने कैपिटल V से डिनोट किया है, कोई डाउट? चलिए कुछ रिकॉल करो बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और ये एक ईएमएफ सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो ईएमएफ सोर्स के अंदर किधर के लिए होगा? समझ में आ रही बात? चलिए तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, सोचो बेटे जो इधर के लिए मूव कर रहा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के लिए ही बन रही है, तो फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर के लिए। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। देखो बेटे कब अपोज कर रहा है? प्लस से माइनस की तरफ ऐसे फील्ड बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज ही होता तो उस पर फोर्स किधर लगता? नीचे के लिए। बट इलेक्ट्रॉन पे किधर के लिए फोर्स लग रहा है? ऊपर के लिए। कोई डाउट? कितना फोर्स लगेगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लो। तो लेट एट इक्विलिब्रियम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी। कोई डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू वी बाय एल। Yes, sir. रिकॉल कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो E इक्वल टू वी बाय एल। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना? E इंटू ई बाय ए। ये कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस पर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किधर लग रहा है? नीचे के लिए। तो इसका नाम एफ ई दे दो बेटे। ये आपका एरो जो बता रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये एरो बता रहा है एफ मैग्नेटिक का। कोई दिक्कत है? और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू बी इंटू ई इंटू स्मॉल बी यानी बी क्यू बी साइन थीटा। सी है बेटे मैग्नेटिक फील्ड ये है एंड चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये नहीं दिखना है बेटे, ये तो फोर्स की डायरेक्शन है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किधर हो रहा है? इधर के लिए। तो चार्ज पार्टिकल ये, इसका मोशन इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के लिए, क्लियर? तो 90 डिग्री यानी साइन ऑफ 90 डिग्री। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये कौन सा हुआ बेटे? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटे इससे ईएमएफ ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी नहीं जा रहा है, जितनी पोलरिटी बननी थी वो बन चुकी है। तो कैपिटल ई इंटू ई दैट इज इक्वल टू बी इंटू ई इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ई से ये ई कट गया और कैपिटल ई की जगह पे बी बाय एल, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटे। तो बी अपॉन एल इज इक्वल टू बी इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। यहां पे L अगर आ गया तो V दैट इज EMF induced, यही ना? तभी से तो बोल रहे हो बेटे कि इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इससे ज्यादा नहीं हो रहा है कम नहीं हो रहा है, यानी नो चार्ज इज नॉट मूविंग, कोई भी चार्ज अब फर्दर मूव नहीं कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बेटे बी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री नहीं हुआ होता, कोई और एंगल रहा होता, तो फोर्स लग रहा होते बी
ई वी साइन ऑफ थीटा, और यहां पर जो फॉर्मूला होता वो होता डी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स इन अ मूविंग रॉड. क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपको पढ़ाया ही यहां के बाद जाता है कि इफ अ रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बी एल बी साइन थीटा. वो आया कहां से? उसका कॉन्सेप्ट ये था. फिर से समझाओ, क्लियर है? राइट डाउन.